नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग देख रहे हो साहिल सेवादार का यूट्यूब चैनल, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव में। और मेरे गांव में एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, वो काफ़ी देर से खुली हुई है, जिसका नाम है स्टेप इन जिम। और जहाँ पर अंदर क्या है क्या नहीं है वो दिखाता हूँ आपको मैं। काफ़ी अच्छे अच्छे मशीनरीज बोलते हैं कि यहाँ पर रखी गई हैं, और काफ़ी युवा जो हैं यहाँ के आसपास के, बुद्धि गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव भी हैं, यहाँ पर युवा जो हैं जिम के लिए यहाँ पर आते हैं। सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी आते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ का जो सिस्टम अंदर का वो दिखाएंगे, और यहाँ के जो ओनर हैं जिन्होंने जिम खोली हुई है, नितेश्वर शर्मा जी और मिक्की जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनके माइंड में कैसा आया कि जिम जो खोली जाए। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। यहाँ के जो ओनर है जिन्होंने जिम खोली हुई है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, कैसे उनके मन में ये आया कि हम यहाँ पर एक गांव में जिम खोलें। तो पूरी बात जो है, पूरी जानकारी जो इस जिम की है वो हम आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना है। नितेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। तो सर बताएंगे कि आपके मन में कैसे आया कि एक गांव में जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जिम का है, छोटी मोटी जिम नहीं है, मैंने खुद देखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी जहाँ पर रखी गई है, सर क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप मेरी जिम में आए। तो दूसरी बात, ये मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब मैं कठुआ की जिम है वहाँ पे एक्सरसाइज करने जाता था, यहाँ के 2-3 युवक भी मेरे साथ जाते थे। फिर मैंने यहाँ पे अपने गांव में देखा कि यहाँ पे कुछ युवक जो थे वो व्यायाम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ कम ध्यान देते थे, ज़्यादा ध्यान उनका चलता था नशे की तरफ, ज़्यादा ध्यान था।
तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया है कि ना गांव में एक अच्छी सी जिम खोली जाए जो स्पेशियस हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो यहाँ पे। उस प्रोजेक्ट को लेके आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने शुरू किया ये प्रोजेक्ट, तो इसको बनने में तकरीबन 1 साल का टाइम लगा है। तो 4 साल पहले ये जिम जो है 2017 में कंप्लीट हुई थी और 2017 में इसकी ओपनिंग हुई थी। तो कौन कौन सी मशीनरी जहाँ पे जो है वो रखी गई हैं? इधर हर टाइप की मशीनरी मशीन्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको अपने बेंच प्रेस हैं, लैग पुली है, हर टाइप की क्रॉस केबल मशीन्स हैं, हर टाइप की मशीन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। अगर हम कोचिंग की बात करें, जो कोच है वो यहाँ पर किसको रखा गया है? कोचिंग की बात करें तो कोचिंग डिफरेंट टाइप की कोचिंग यहाँ पे मिलती है, कुछ मंथली बेसिस पे है तो कुछ परमानेंट कोचर्स भी हैं यहाँ पे। दो कोचर्स हैं यहाँ पे, एक तो मैं खुद हूँ और एक है हमारे अंकुश जी हैं, वो भी यहाँ पे कोच करते हैं। तो आपके मन में जो सवाल आया कि यहाँ पे युवक जो हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, तो अगर जिम ना खोली जाए उसके खिलाफ आप क्या आवाज़ उठा सकते हो कि नशे को जो है दबाया जाए? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नशा जो है हर चीज़ का हल नहीं है। जैसे कि आप देखते हो युवक को, आजकल के युवक को कोई भी थोड़ा सा भी दुख लगे तो वो नशे की तरफ बैंड हो जाते हैं, तो क्यों ना उस गुस्से को आप लोग अपने एक्सरसाइज में उतारें। और उससे क्या होगा, आपको डबल फ़ायदा होगा, एक तो आपकी बॉडी फिजिक अच्छी बन जाएगी, ऊपर से आपका गुस्सा भी निकल जाएगा। तो मैं तकरीबन सारे युवकों से यही कहना चाहता हूँ कि नशे की तरफ ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिक बेस्ट रखें। यही नहीं होता कि बॉडी बनाना ही जिम का मकसद है, यही नहीं होता कि बॉडी बनाई जाए, अपनी फिजिक को बेस्ट रखने के लिए भी आप जिम लगा सकते हो, सिर्फ बॉडी बनाना ही एक मकसद नहीं होता जिम का। एक पतला व्यक्ति जो होता है वो किस तरह से अपनी बॉडी जो है वो कितने महीनों में जो है तैयार कर सकता है? देखो ये तो उसके खान पान पर डिपेंड होता है, कोई भी पतला व्यक्ति है उसके खान पान पर डिपेंड है कि वो किस तरह की अपनी बॉडी डेवलप कितनी जल्दी कर सकता है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक महीने में ही असर दिखाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है उसको असर करने में टाइम लगता है, जैसे 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। यहाँ पे सिर्फ युवा ही आते हैं कि उससे छोटे बड़े सारे आते हैं? यहाँ पे युवा लड़के लड़कियाँ कुछ 35+ यहाँ आ रहे हैं, 35+ जो हमारे वो भी युवा में ही आते हैं पर वो भी आ रहे हैं। तो अब रिसेंटली हम यहाँ पे कार्डियो सिस्टम ही शुरू करने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर, तो वो तकरीबन उनके लिए है जो तकरीबन 40+ लोग हैं, 45+ लोग हैं, ये उनके लिए होगा। तो सुनने में आ रहा है कि आपकी जिम के साथ साथ कुछ लोग होते हैं वो जिम को नहीं मानते हैं, योग को ज़्यादा योगदान देते हैं, वो योग करना पसंद करते हैं, तो उसको लेकर आपके जिम में कुछ योग के अलावा? हाँ, योग के लिए हैं यहाँ पे हमारे योगाचार्य हैं जो मेरे फादर साहब हैं खुद, तो वो भी यहाँ पे योग सिखाते हैं। अगर कोई विलिंग हो सीखने के लिए तो वो यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है योग यहाँ पे मुफ्त सिखाया जाता है, योग की यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो अगर कोई विलिंग है योग सीखने के लिए तो उसको भी योग सिखाया जाएगा। रही बात जिम और योग, हम इन दोनों को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि योग का एक अपना महत्व है और जिम का एक अपना महत्व है। अगर हम आपकी जिम की बात करें तो इसकी टाइमिंग क्या है? मेरी जिम में जो टाइमिंग है, अभी फ़िलहाल सर्दी का टाइम है तो सर्दियों में जो टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे जाते हैं तकरीबन। जी, तो चलिए बहुत अच्छा लगा इनसे बात करते हुए। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है वो हमें बताई हैं इस जिम के रिलेटेड, और जिम के साथ साथ इनके पास योग का भी जो है वो प्रबंध है यहाँ पे। इनके फादर साहब जो हैं डॉक्टर रिटायर्ड श्री रामेश्वर जी, वो भी योगा करते हैं और फ्री योग जो है वो सिखाते हैं। ऊपर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो कि योग के लिए और जिम के लिए। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, फिर मुलाकात करेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए साहित्य सेवाधार का यूट्यूब चैनल, कैमरामैन शुभम के साथ, धन्यवाद।